पिछले कुछ दिनों से बीजेपी में जो कुछ भी चल रहा था उसे लेकर के बीजेपी काफ़ी परेशान दिख रही थी। कई बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने और सांसदों ने, यहाँ तक कि वर्तमान सांसद जो हैं उन लोगों ने भी पार्टी से बगावत कर दिया था, और बगावत करने वाले में खास करके सवर्ण नेता थे। और इन सवर्ण नेताओं ने बीजेपी के एक अलग गुट पर हमला किया था, और हमला करने के बाद इन लोगों ने ये कहा था कि वो बंधुआ मजदूर नहीं हैं। इसकी अगुवाई अगर कहा जाए तो सच्चिदानंद राय कर रहे थे। सच्चिदानंद राय ने चुनाव लड़ने की घोषणा तक कर दी थी और ये कहा था कि अब वो अपने इरादे से जरा भी टस से मस नहीं होंगे। पर जैसे ही ये बात पब्लिक डोमेन में आई और उनके इरादा की मजबूती भारतीय जनता पार्टी को पता चली, भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई और उसने अपने सवर्ण नेताओं को बुला करके एक मीटिंग हुई और सारे लोगों को तलब किया गया दिल्ली में। इन सबों की बैठक हुई और ये फैसला लिया गया कि किसी भी तरह से एन केन प्रकारे न इन सवर्ण नेताओं को मना लिया जाए, वरना इस चुनाव में ये सवर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा कठिन स्थिति खड़ा कर सकते हैं। अंततः बात सामने आई और आज, जैसा कि हमने सुबह भी आपको दिखाया था, आज मीटिंग हुई, प्रेस वार्ता हुई, और प्रेस वार्ता में क्या कुछ हुआ आप खुद उनकी जुबानी सुन लीजिए। हमने ये खबर पहले ही ब्रेक कर दी। बात तो मैं पार्टी के मिशन के लिए प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हूँ। मेरे 50 वर्ष के राजनीतिक जीवन में 40 वर्ष मैंने विचारधारा की प्रतिबद्धता के लिए दिए, और मैं उस पार्टी से आता हूँ जिस पार्टी का जो मूल मंत्र है कि राष्ट्रवाद मेरे काम करने की प्रेरणा है, अंत्योदय हमारा जीवन का विचार दर्शन है, और सुशासन देना हमारा मंत्र है। जहां तक टिकट वितरण का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट वितरण को अगर आप 40 सीटों को देखेंगे तो 40 सीटों में समाज के सभी वर्गों को पूरी तरीके से प्रतिनिधित्व दिया है। लेकिन जहां पर, क्योंकि सीटें हमारे पास 40 सीमित थी, जहां पर कहीं और प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है उसको भी हम सशक्त करेंगे। मैं आपसे विनम्रता से प्रार्थना करूंगा कि आप अपनी बात को जनता की बात ना कहें, जनता मेरे और मेरे जीवन को अच्छी तरह समझ। आप बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव को सुन रहे थे। भूपेंद्र यादव ने अपनी बातों को बारीकी से रखा, उसके बाद बारी बारी से उन्होंने माइक दूसरी तरफ बढ़ाया। सतीश चंद्र दुबे इसके बाद क्या कह रहे हैं, जो सतीश चंद्र दुबे कल तक न्यूज़ बिहार से भी बातचीत के दौरान बताए थे कि वो ताल ठोक रहे हैं और वो चुनाव किसी कीमत में लड़ेंगे, अब क्या कह रहे हैं। और 25 साल से भारतीय जनता पार्टी के पंचायत अध्यक्ष से मेरी राजनीति शुरू हुई, और एक झटका में भारतीय जनता पार्टी से मुंह मोड़ लेना साधारण बात नहीं है। भावना थी, मैंने क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ता की भावना को देखकर, समर्थक को देखकर मैंने कहा था चुनाव लड़ूंगा, लेकिन आज देश हित में भाई नरेंद्र मोदी की हाथ सबसे ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। इसलिए इसी भावना के साथ हम लोग अपनी बात को विड्रॉल किए और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को मजबूत करके देश में भाई नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने के लिए वचनबद्ध होते हुए आपके बीच में आए हैं। आपने सुना सतीश चंद्र दुबे, जिनका मन रातों रात बदल गया है, अब वे पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी में अपनी आस्था बता रहे हैं और हवाला दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। भीतर खाने में क्या बातें हुई ये तो सतीश चंद्र दुबे और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख यानी कि अध्यक्ष अमित शाह बताएंगे, या फिर जिन लोगों को उस कमेटी में रखा गया था, इन लोगों को मनाने की कमेटी में, वो बताएंगे। पर इतना जरूर है कि कोई ना कोई बात और डील जरूर हुई। आगे अब आप सच्चिदानंद राय को सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने भी ताल ठोका था। अर्जुन को सुना, बिहार के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव को सुना, इसके हम लोग मंच पर उपस्थित हैं। इसी से आपको समझ जाना चाहिए कि आपको जानकारी है नहीं, लेकिन यदि कोई विशेष प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। फैसला जिस कारण से लिया था चुनाव लड़ने का,
वो जो तकलीफ राष्ट्रीय नेतृत्व ने दूर कर दिया है, आपने सुना कि ठीक है अब इस चुनाव के बीच में तो कैंडिडेट बदले नहीं जा सकते, लेकिन अभी आपने सुना हमारे राष्ट्रीय महासचिव ने आपके सामने कहा कि राज्यसभा में और विधान परिषद में जो भले सीट खाली होंगे उसमें इस बल को प्राथमिकता दी जाएगी, तो फिर तो बात खत्म हो गई। आखिर ऐसा तो कोई नहीं है कि एक ही सदन में जाएंगे तभी जाकर हमारी, एक बात और ख्याल रखिएगा, जिस पर की बात कर रहा ब्रह्मजन की, ये कभी भी जातीय पर नहीं रहा, जाति जाति में विश्वास हमें पर नहीं रहा, हमेशा राष्ट्र धर्म को प्रथम रखते हैं। और हम अभी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना देश की इच्छा है और पर की इच्छा है, लेकिन ये जरूर था राजकीय थी, राजकीय को हमने ऊपर तक पहुंचे। आप देखेंगे पिछले तीन दिन से न्यूज चल रहा है जिस तरह से हम लोगों को एक स्पेशल प्लेन से ले जाया गया, दो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने समय दिया, आज आपके समक्ष राष्ट्रीय महासचिव उपस्थित है और बता रहे हैं, इससे साफ हो जाता है कि हमारी बात को बड़ी गंभीरता से सुना गया है और जो भी कमियां रह गई उनको बता, एक दो बातें तो आपके सामने आई और कई बातें आपके सामने साझा नहीं हुई, लेकिन एक बात बता दो, मैं और सतीश पक्ष पूरी तरह से संतुष्ट होकर खुश होकर और एकदम पूरे जोश और खरोश से पार्टी को 40 सीट जिताने के लिए प्रतिबद्ध होकर यहाँ लौटे हैं, और भी लोगों के बीच जाएंगे तो हमारी वाणी में ताकत होगा और जो लोग दुरुस्त हैं उनको समझाने के लिए हमारे पास योजना होगी। अम्बेडकर के विचारों के अनुरूप समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ा करके सबका साथ और सबका विकास करने का मूल मंत्र है, यही विषय कहने के लिए आज आप सब लोग बोल रहे हैं। और उसका एक सबसे बड़ा कारण है, मैंने कहा है सबका साथ सबका विकास, समाज के सभी वर्गों का सामाजिक प्रतिनिधित्व, हमारा जो अंतर और उनमें जो अंतर है वो समाज के एक वर्ग को दूसरे वर्ग के खिलाफ करके लड़ाना चाहते हैं। ये ऐसा ही समझौता है जैसा आरजेडी और माले का समझौता बिहार में हुआ है, तो हमारा वर्ग संघर्ष नहीं है, हम समाज के सभी वर्गों को साथ ले जाने के लिए एक तरीके से प्रतिबद्ध है। और इसलिए मैं वापिस से कहना चाहूंगा कि SC ST OBC के आरक्षण को सुरक्षित रखते हुए सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्ति को भी आजादी की जिस दौड़ में वो पीछे रह गए थे उसको आगे बढ़ाने के लिए 10% का आरक्षण देने का ऐतिहासिक काम ये नरेंद्र भाई मोदी जी ने ही किया है। और मैं ये पूछना चाहूंगा, अगर लालू जी की किताब पढ़ी हो तो उनको जो पढ़ाने वाले शिक्षक थे वो तो इस समाज के वर्ग से आते थे, अगर वो आजाद अब आज वो अगर 70 साल बाद पिछड़ गए उनको अगर आरक्षण देने की बात हम कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? तो कांग्रेस के साथ मिलकर आरजेडी ने उसे क्यों राज्यसभा में पहली बार में गिराया? और दूसरी बार भी जब विषय आया तो आरजेडी के नेताओं ने राज्यसभा में क्या कहा, क्यों मौन रहे, कांग्रेस के किस दबाव में वो मौन रहे, इस बात का जवाब देना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस, उनका किसी भी चीज का विरोध करने के दो ही पैमाने होते हैं। पहला पैमाना ये होता है कि हर वो फैसला जिसमें उनके परिवार माने आरजेडी का अपना जो उनका परिवार है उनका या कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली का भला ना हो तो दोनों मिलकर के उसका विरोध करते हैं। उनके विरोध का दूसरा पैमाना हमेशा रहता है कि जनहित का जो फैसला दशकों तक सत्ता की मलाई खाने में मजबूर रह करके उनकी पार्टी नहीं ले सकी। बिहार में जब लोग परेशान थे, अराजकता थी, ये जो फैसले आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किए हैं वो जब सत्ता की मलाई खा रहे थे, जब वो फैसले वो नहीं ले सके, उसे पूरा करने की इच्छा शक्ति नहीं दिखाई, आज जब वो फैसले लिए गए हैं तो आरजेडी और कांग्रेस दोनों इसका विरोध कर रहे हैं। आरजेडी के लिए जनहित के फैसले कभी भी उनकी प्राथमिकता नहीं रही, उनके हर निर्णय में यह रहता है कि उनके अपने परिवार का क्या लाभ हो। और एक और बात है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो अपना घोषणा पत्र लेकर के आई है उसमें उन्होंने कहा है कि स्वर्णों पर 2% ज्यादा टैक्स लगाए। ये समाज को बांटने की जो राजनीति है, सामाजिक न्याय की जो राजनीति है, इसको तोड़ने की जो राजनीति है वो आरजेडी पूरी तरीके से कर रहे हैं। आपने दोनों ही बागी
जो भारतीय जनता पार्टी से होकर के चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे उनकी बातें सुनी। उसके बाद आपने बिहार भाजपा के प्रभारी भूपेंद्र यादव को भी सुना। अपनी पार्टी की सारी बातों को लेकर के और अपनी आइडियोलॉजी को लेकर के वो पूरी तरह से आश्वस्त दिखे। आरजेडी और कांग्रेस को लेकर के भी काफ़ी तल्ख तेवर दिखे। उन्होंने कई ऐसी बातें कही जो परिवारवाद और जातिवाद के साथ साथ सामाजिक विषमता को दर्शाता है। उन्होंने अपनी बातों को आरजेडी और कांग्रेस पर थोपा। इतना ही नहीं, जैसा कि सुबह हमने आप लोगों को सबसे पहले बताया था, न्यूज़ बिहार और भारत लाइव के दर्शकों को और पाठकों को हमने ये सुनाया और दिखाया था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी खुद को बैकफुट पर महसूस कर रही है और ये सवर्ण नेता जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खुद को खड़ा कर चुके हैं और चुनाव लड़ेंगे, ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ गठबंधन के अन्य घटक दलों को भी काफ़ी नुकसान होगा। इन सब बातों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने त्वरित निर्णय लिया और इन लोगों को मना लिया। भीतरखाने में जो डील हुई है उसका भी लगभग बहुत हद तक खुलासा सच्चिदानंद राय ने कर दिया। इसका मतलब ये है कि अगर लोकसभा नहीं जाते हैं तो राज्यसभा या अन्य सदन के लिए उन लोगों को मनाया और फिट कर लिया गया है। इस तरह की गोटियां चुनावी माहौल में अक्सर फिट होती हैं। भारतीय जनता पार्टी भी अब ये सब दांवपेच करने लगी है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि इसका कितना असर और बागियों पर पड़ता है या फिर भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले के बाद विपक्ष आरजेडी, कांग्रेस और महागठबंधन के अन्य दल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पर कितना असर डालते हैं और दबाव बनाते हैं। जुड़े रहिए न्यूज़ बिहार और भारत लाइव के साथ, हम आपको हर खबर से रखते हैं बाखबर। नमस्कार। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।